महंगाई का एक और झटका, भोपाल में आज से सफर महंगा। BSNL बसों का बढ़ाया गया किराया। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। सीएम बघेल ने जीत के 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ को जिला बनाने का किया ऐलान। रमन सिंह का पलटवार, पहले पुराने वादे तो पूरे करे सरकार। सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कोयला संकट पर हाथ धरे बैठी है केंद्र सरकार, महंगाई को लेकर भी घेरा। एमपी में शराबबंदी पर सियासत, बीजेपी नेत्री उमा भारती के बाद रीवा से बीजेपी विधायक ने की शराब दुकान में तोड़फोड़, तो वहीं सागर में शराब की दुकान पर महिलाओं ने बरसाए पत्थर। भोपाल में गिरफ्तार आतंकियों के मंसूबे नाकाम, मॉड्यूल बनाकर प्रदेश के सेंसिटिव इलाकों में करने वाले थे आतंकी धमाके, ATS की जांच में खुलासा। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, मंदिरों में लगी भक्तों की कतार, 9 दिनों तक देवी मां की होती है पूजा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर दुर्ग से है, जहां देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर उन्होंने हमर लैब का उद्घाटन किया। यहां पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है और इस तरह के 3000 दूसरे यूनिट जल्द देश में शुरू होंगे। इन यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलियंस में काफ़ी आसानी होगी। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाटन में देश का पहला पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित हुआ है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और इसके साथ ही यहां पर अपडेट लैब का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लैब को इंस्ट्रूमेंट भी देखे। उन्हें यहां CMHO डॉक्टर मेश्राम और BMO डॉक्टर आशीष शर्मा ने विस्तार से लैब में होने वाले लाभों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमारियों के सर्विलांस में ये संस्थान काफ़ी उपयोग साबित होगा। इसके साथ ही पाटन में लोगों को टेस्ट कराने में काफ़ी सुविधा होगी, इससे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव भी उपस्थित थे। सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले की सख्ती को 26,96,000 के 30 विभिन्न कार्यों की सौगात दी है, जिनमें 13,67,80,000 रुपये 11 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और 212,59,00,000 रुपये की लागत के 19 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सख्ती में जिन कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें 70,79,00,000 की लागत से निर्मित 4 सड़कें और 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत से मरकाम गोड़ी से खुशोई डेरा अमलीढ़ी पहुंचा मार्ग। बता दें कि इससे ज़्यादा भी उन्होंने लागत की काफ़ी सौगातें कल दी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सीएम रहते उन्होंने खैरागढ़ के लिए कुछ नहीं किया। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे तो कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे। रमन सिंह जी तो 2100 रुपये बोल के नहीं दे पाए और कहते थे भाजपा के लोग, जो हम 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीद नहीं पाए, 2500 कांग्रेस कहाँ खरीदेगी। आज 3 साल बीत गया, वो 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाते थे, आज हम 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। और जिस जगह में वो अपने मातृभूमि कहते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं खैरागढ़ के लिए। आज लगातार हम लोग जिला बना रहे हैं, उन्होंने भी जिला बनाया, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़ के रखे थे, क्यों खैरागढ़ के साथ उपेक्षक व्यवहार उन्होंने किया था, उनको बताना। भारत सरकार को मैंने लिखा है, जितने भी हमारे स्पंज आयरन हैं उसके लिए भी कोल लिंकेज मिलना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में जितने उद्योग हैं उसको पर्याप्त तो कोयला मिले, इसके लिए मैंने पत्र लिखा भी है, अधिकारियों से बात भी की है। और भारत सरकार कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रही, पिछले समय भी संकट थे और अब समय भी इस समय भी संकट घर आने वाला है, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार ने कुछ किया नहीं। विदेशों से कोयला आने की संभावना वैसे ही कम है, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद और परिस्थितियां बदली है,
और ऐसे में भारत सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। ये तो पांच राज्य के चुनाव को देख रहे थे, पांच राज्य के चुनाव पहले 5 रुपये पेट्रोल में 10 रुपये डीजल में कमी की थी, जैसे रिजल्ट आया वैसे ही सब पेट्रोल में डीजल में 10 दिन में 9 बार वृद्धि हो रही। आप LPG की बढ़ गया, कमर्शियल का भी बढ़ गया, CNG का भी बढ़ गया, तो लगातार इससे जो वृद्धि हो रही है इसे आम जनता के ही पर ही बोझ आना है। खबर बिलासपुर से है जहां कालीचरण को जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने जमानत दे दी है और 90 दिनों से जेल में बंद हैं कालीचरण। महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप है उन पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अरविंद कुमार चंदेल की कोर्ट से आज कालीचरण को जमानत मिली है। कालीचरण को ये जमानत 1,00,000 रुपए के बांड और 50,000 डिपॉजिट करने की शर्त पर मिली है। बता दें कालीचरण राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में दर्ज मामले में पिछले 90 दिनों से जेल में बंद थे। आपको बता दें कि रायपुर में हुई धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोले। महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का उन पर आरोप है और पिछले 90 दिनों से कालीचरण जेल में बंद थे। बिलासपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अब उन्हें जमानत दे दी है। कालीचरण महाराज पिछले 3 महीने से जेल में बंद है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। 9 दिनों तक देवी मां की पूजा की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा मंदिरों में विशेष तैयारियां भी की गई हैं। पूरे देश में चैत्र नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। कोरोना काल के बाद आज पहली बार चैत्र नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है और भक्तों का तांता मंदिर में सुबह ही देखने को मिल गया। मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। बिलासपुर से वीरेंद्र गहवैया मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनांदगांव से ललित ठाकुर और कवर्धा से प्रदीप गुप्ता जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राजनांदगांव का, जहां से ललित ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। ललित, क्या कुछ तस्वीर वहां से नजर आ रही है मंदिरों में, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है? दो साल के बाद महामारी के बाद जो है मंदिरों के ऊपर जो है पूरी तरीके से बिना शर्त की खुली है। हम इस वक्त जो है शहर के चित्रा मंदिर में मौजूद है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है भक्त जो है माता की दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जी। चलिए सीधा रुख करते हैं वीरेंद्र गवाई का, जो इस समय बिलासपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, देखिए कोरोना काल के बाद ये पहली बार चैत्र नवरात्रि है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है मंदिरों में, काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु। क्या कुछ व्यवस्था मंदिरों में की गई है श्रद्धालुओं के लिए? देखिए कोरोना के 2 साल के बाद ये चैत्र नवरात्रि आया है और कोरोना के दौरान कई रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो रिस्ट्रिक्शंस सारे हट गए हैं। इस वजह से आज दिन की शुरुआत नवरात्र से के पहले दिन से आज लोग भीड़ यहाँ पहुँच रही है और श्रद्धालु काफ़ी संख्या में यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। आज चूँकि हिंदू नववर्ष भी है, इस वजह से लोग चाहते हैं कि आज से दिन की शुरुआत जो है वो भगवान के दर्शन से, माता रानी के दर्शन से करें और माँ शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है। पंडित जी ये बताइए जी, आज नवरात्र की शुरुआत है, किस तरह की मान्यता है और आपने किस तरह से व्यवस्था की है? यहाँ नवरात्रि की वो है कि विशेष नवरात्रि में माता की शक्ति जो है विशेष सभी श्रद्धालुओं भक्तजनों को प्राप्त होती है और माँ की ही कृपा से व्यवस्था जो है सुचारू रूप से। अभी अभी कोरोना था तो कई रिस्ट्रिक्शन थे, क्या वो रिस्ट्रिक्शन अब हटा दिए गए हैं? कुछ तो है ना, अभी भी जो कोरोना का वो है उससे थोड़ा सा प्रसाद वगैरह जो है अभी वितरण हम लोग नहीं कर रहे हैं, चढ़ावा चल रहा है, बाकी और व्यवस्था ठीक है जी। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, उन श्रद्धालुओं से पूछते हैं कि आज दिन की शुरुआत उन्होंने माता रानी के दर्शन से किया है, आप बताइए कि आज आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, क्या मांग रहे हैं और आज नया साल भी शुरू हो रहा है? नया साल शुरू हो रहा है, अपने खुशहाली के लिए मांग रहे हैं सब जी। आप बताइए कि आज दिन की शुरुआत आप माता रानी के दर्शन से कर रहे हैं, 2 साल तक कोरोना था,
आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। हम सोच रहे हैं कि सभी जीव प्राणी जितने हैं सब सुख खुशहाल रहें, बढ़िया रहें, यही चाहते हैं। भगवान से यही माता से विनती किए हैं जी। आप बताइए भाई साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, वहां पे देखते हैं कि किस क्या तस्वीरें हैं मंदिरों से। सुप्रिया पांडे मेरी सहयोगी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, क्या कुछ तस्वीरें इस समय मंदिरों से सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की पूरे देश में धूम दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कोरोना के बाद इस बार की नवरात्रि काफ़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त सुबह से ही माता के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज शैलपुत्री माता का दिन माना जाता है और ऐसे में भक्त अपने दिन की शुरुआत माता के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। मैम, आप कब से आ रही हैं मंदिर? और मैं तो 3-4 साल से आ रही हूँ मैं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, साल का पहला दिन भी है। क्या आप मंदिर में सुबह जो है दर्शन करके माता के दिन की शुरुआत करना चाहते हैं? हाँ मैम, अब आज नवरात्रि के पहला दिन है, स्वाभाविक के पहले माता की दर्शन हो। हाँ। तो मैं सवेरे सवेरे नहा के आ गई तुरंत करने के लिए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? माता पर सबके दुख हरे, कष्ट हरे और जयकारा शेरवाली का माता की जय। कोरोना के बाद काफी दिन हो गए हैं, नवरात्रि ठीक से नहीं मनाई जा रही थी, अब नवरात्रि में काफी धूम देखी जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? माँ के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक तो हो ही गया है। हाँ। अब माँ का पूजा धूमधाम से करेंगे। क्या मनोकामना लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे आप? पेपर में पास हो जाए। पेपर में पास कर गए। तो देखिए, जैसे कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे भी आए हैं जो ये दुआ लेकर के आए हैं कि पेपर में उन्हें पास कर दे। तो इस तरीके की भी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो वही नवरात्रि का पहला दिन है, आप देख सकते हैं कि ये काली मंदिर है यहाँ पर, क्योंकि मान्यता को लेकर हम यहाँ पर के पंडित से भी जानेंगे कि क्या इस मंदिर की मान्यता है। पंडित जी, इस मंदिर की मान्यता क्या है, आप बताइए। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर हर भक्त की ये निष्ठा है कि चौखट पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारी झोली भरेगी और वो उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, वही सबसे बड़ी मान्यता इस मंदिर की है। कोलकाता के काली मंदिर को लेकर के भी यहाँ से कुछ कनेक्शन है ऐसा कहा जाता है, क्या कनेक्शन? अब वो तो देखो, देवी हर जगह एक ही है। हाँ। कनेक्शन का मतलब यह है कि किसी न किसी रूप में नहीं, इतना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कनेक्शन है क्योंकि ये भक्तों की अपनी अपनी मान्यता है। और सुप्रिया हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच कवर्धा का रुख करते हैं, कवर्धा से मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर चैत्र नवरात्रि को लेकर, आज पहला दिन है, श्रद्धालु का तांता भी मंदिरों में काफी दिखाई दे रहा है। देखिए, चैत्र नवरात्रि का जो है आज पहला दिन है, लोग है वो काफी दिनों से तैयारी करते नजर आ रहे थे। वो आज जो पहला दिन है, शैलपुत्री माता की जो है आज पूजा अर्चना की जाती है और इस वक्त हम मौजूद है शहर के विंध्यवासिनी मंदिर में, जो जिले के सबसे ज्यादा यहाँ ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। फिलहाल 3500 से ज्यादा ज्योति कलश की स्थापना जो है शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये जो मंदिर है ये हालांकि अभी पट जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि माता रानी की जो है श्रृंगार किया जा रहा है। सुबह से ही दर्शनार्थियों की जो है कतारें लगी हुई है, सुबह 4 बजे से पट खोल दिया गया है। बकायदा माता रानी के विशेष श्रृंगार किया जाएगा, उसके बाद से ही पट खोलेंगे, जिसको लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्रि का जो पर्व है, 2 साल पहले काफी COVID-19 के चलते लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे, पाबंदी लगी हुई थी। प्रदीप, आपके आसपास श्रद्धालु, उनसे बात करके बताइए वो कितना खुश है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। जी, हमारे साथ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज पहला दिन है नवरात्रि को लेकर कितना खुशी है, कितना महत्व है। बहुत खुशी है, पूरा कवर्धा क्षेत्र में यहाँ यह मंदिर प्रसिद्ध है, सभी लोग माता के दर्शन करने आते हैं और अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ मन्नतें रखे हैं माता रानी की? मन्नतें रखते हैं और जोत जलवाते हैं और मन्नतें पूरा होते हैं भगवान माता की कृपा से। तो श्रद्धालुओं का साफ तौर से कहना है कि ये मंदिर जो है जिले का सबसे पुराने और सिद्धपीठ विंध्यवासिनी मंदिर है। यहाँ जो भी आते हैं अपने मन्नतें मांगते हैं वो बकायदा माता रानी जो है पूरा करती है। तो कहीं कहीं इनको लेकर जो है श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से लोग जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये ज्योति कलश जो है, ये काली की जो प्रतिमा जो है बनाई गई है, इसके जस्ट पीछे जो है ज्योति कलश जो है शुभ मुहूर्त में जो है प्रज्वलित किया जाएगा, जिसको लेकर जो है
मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो पूरी तरह से तैयारी कर रखी है और शुभ मुहूर्त जो है बताया जा रहा है कि 11:24 के बाद से ही ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। जी जी बिल्कुल, सीधा रुख करते हैं ललित ठाकुर का जो इस समय राजनांदगांव में मौजूद है। ललित, जरा वहां से श्रद्धालुओं से बात करके बताइए वो कितने उत्साहित हैं नवरात्रि को लेकर, क्या कुछ उनकी मान्यताएं हैं आज के दिन की? जी बता दूं, हमारे साथ मंदिर मान्यता मंदिर के पुजारी हैं कि मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं और किस तरीके से यहां पे नवरात्रि में तैयारी की जाती है की गई है। नौ वर्ष के हाथ में है काम, सभी जानते हैं उजागर होते हैं जिसमें एक चैत्र और एक कुवार नवरात्रि मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ा पर्व है नवरात्र का। इस दिन हम लोग एक महीना पहले से ही मंदिर की साफ सफाई एवं रंग करने के लिए सभी चीज उपलब्ध कराकर साफ सफाई किया जाता है और आखिरी आखिरी समय में आकर भक्तों के द्वारा सब ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं, जिसमें गर्भगृह में दो ज्योत एक पुजारी परिवार की तरफ से और एक स्वर्गीय राज परिवार की तरफ से जलाया जाता है नगर कल्याण हेतु। पिछले चार नवरात्रि में कोरोना महामारी के कारण सभी मंदिर देवालयों का पट जी बिल्कुल, देखिए नवरात्रि का आज पहला दिन है, श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों में दिखाई दे रहा है और काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र गेवई, सुप्रिया पांडे, ललित ठाकुर और प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर जांजगीर चांपा से है जहां शक्ति राजा सुरेंद्र बहादुर से सीएम ने मुलाकात की। सीएम से मुलाकात कर सुरेंद्र बहादुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश समर्थक ही शक्ति विधायक बनेगा, तो सुरेंद्र बहादुर ने शक्ति को जिला बनाने पर आभार भी जताया। भूपेश समर्थक ही शक्ति विधायक बनेगा, सुरेंद्र बहादुर का बयान भी सामने आया है। सुरेंद्र बहादुर ने शक्ति को जिला बनाने पर भी आभार जताया है। सीएम से मुलाकात कर सुरेंद्र बहादुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भूपेश समर्थक ही शक्ति विधायक बनेगा और साथ ही उन्होंने शक्ति को जिला बनाने पर आभार जताया। बस्तर के बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली जाकर बस्तर की तीन प्रमुख मांगों को लेकर सभी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसी को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि बस्तर की सबसे बड़ी मांग रेल की और आजादी के बाद भी। आज तक बस्तर सीधे राजधानी से जुड़ नहीं पाया है। बस्तर से संबंधित चाहे रेल लाइन की मामला हो, चाहे हवाई जहाज का मामला हो या महारा महार वाला जो मामला है, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम लोग जो है ना प्रतिनिधिमंडल जो है ना तीन दिन तक के दिल्ली में रहा और सभी मंत्रियों से हमारी भेंट मुलाकात हम लोगों ने पहले से पत्र दिया था और समय पर उन्होंने बुलाया भी। और जैसा कि मैंने कहा, रेल मंत्री जी ने हम लोगों ने तीन विषय रखा तो उन्होंने तत्काल स्वीकार किया। खबर रायपुर से है जहां विद्युत संविदा कर्मचारियों का आंदोलन खत्म हो गया है। बता दें कि उनका आंदोलन और उग्र हो गया है। युवा संविदा कर्मचारियों ने भीख मांगी, पिछले 23 दिनों से उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं। मुआवजा राशि की भी लगातार उनकी मांग है। अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी जारी है, पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बता दें नियमितीकरण की मांग को लेकर वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। मुआवजा राशि की भी मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में युवा पढ़ लिख कर भीख मांगने को मजबूर है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, बूढ़ा तालाब धरना स्थल का है और ये विद्युत कर्मी है जो अपनी नियमितीकरण मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, ये पढ़ लिख कर यहाँ पर संकेतित रूप से भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि भीख मांग रहे हैं। और चलकर इनसे हम समझते हैं कि आखिरकार इनको भीख मांगने की नौबत क्यों आई, आप लोगों के भीख मांगने की नौबत क्यों आई? सर, ये हमारे सांकेतिक प्रदर्शन है। हमारे बीच ऐसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं सर कि हमारे बीच एक लोकनाथ भाई था, उसका हाथ अघातक दुर्घटना में कट गया है। उसके घर परिवार
जो 24 लाख का आर्थिक संकट झेलना पड़ा, वो अपने घर जमीन बेच करके उसके घर तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। तो हम आज शासन और प्रशासन से एक सांकेतिक प्रदर्शन कर बताना चाहते हैं कि हमारी काम जो है बहुत ही जोखिमपूर्ण रहता है और हमारे 25 साथी लोग जो है इसमें कार्य करते हुए शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में साथी ऐसे हैं जो घातक दुर्घटनाओं का सामना कर चुके हैं। जैसे कि आप होलिया मनाए हैं भीख मांगने के लिए, ऐसा ही आप लोग के साथी लोग अपने अंग को खो चुके हैं क्या? जी हाँ, हमारे 100 से ज़्यादा साथी का हाथ कट गया है, पैर कट गया है, उन लोगों की इलाज के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं दे रहा है। हमारे 23 दिन से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, फिर भी अभी तक हमारी सरकार और कमांडी उदासीन रवैये बनाए हुए हैं। इसी तरह हमारे हाथ पैर कट चुके हैं हमारे साथी का, तो भी क्यों मांग रहे हैं? जी हमने जो भीख मांगने के लिए सरकार जो है मजबूर कर दे, वास्तव में हम जो है भिखारी नहीं है, लेकिन हम लोग संविदा बिजली कर्मचारी की जो कंडीशन इस प्रकार आ गई है कि हम रोड में भीख मांगने के लिए उतर गए हैं, इसके लिए पूरा जिम्मेदार जो है शासन को है, पूरे प्रशासन को जाता है कि वो अपने विद्युत कर्मचारी को ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपसे शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी को निवृत्त करें। अब देखना यही है, फिलहाल ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इनकी यही स्थिति बनी रही, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो इनको भीख मांगने वो दूर नहीं होगा। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्य राजपूत, News 24 रायपुर। खबर रायपुर से है, जहां News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर जांच लगी है। बता दें मुहर News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर लगी है। कोटवारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया, एपीआई आयरन इस्पात कंपनी पर कब्जा करने का आरोप है। बता दें सीमांकन कर जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। तो वहीं 56 डीसीमिल पटवारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। और News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर दिखाए जाने के बाद कार्रवाई की गई और खबर दिखाए जाने के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया है, अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपने बताया, एक उद्योग की शिकायत मिली थी, उसके बाद उस पर टीम भी गई थी राजस्व की, उद्योग के द्वारा कुछ जमीन पे कब्जा पाया गया है, जल्दी उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर हमले के विरोध में बिलासपुर में आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के निवास का घेराव किया। आप कार्यकर्ताओं ने परसदा में धर्मलाल कौशिक के निवास पर फूल और पोस्टर लेकर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं आप कार्यकर्ता धर्मलाल कौशिक को फूल भेंट करने की जिद को लेकर धरना दिया। बाद में आप कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष को फूल और गांधी का संदेश भेंट किया। आप प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी नेता बीमार हो गए हैं, सीएम केजरीवाल के घर पर हमले कर रहे हैं, हम ऐसे बीमारों नेताओं को फूल देकर जल्द सेहतमंद होने की कामना करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन प्रदेश में आम आदमी पार्टी की संभावना कम है। अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर के, हमारे नेता के घर पे जाकर के, वहाँ बच्चे थे, वहाँ उनकी माता बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, उनकी जान पर जिस तरह से हमला बोला गया, उस घटना को लेकर के आज हमने जो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं धर्मलाल कौशिक, उनके घर का घेराव किया और ये मैसेज देने की कोशिश की कि आप जो बीमार नेता हैं, आपके अंदर जो गुंडा तत्व हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो आप उनको पार्टी के अंदर से तुरंत बर्खास्त करें। चूँकि दिल्ली के अंदर जो पुलिस काम कर रही है वो मोदी सरकार के अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो उस लिहाज से उन पर कड़ी कानूनी कार्यवाही करें और इस मामले को गंभीरता से लें। खबर नारायणपुर से है, जहां रावघाट लोह खदान को लेकर विरोध जताया जा रहा है। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर दफ्तर का घेराव किया गया। रावघाट इलाके के 23 पंचायत के प्रभावित ग्रामीणों का ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने 3 बैरिकेड को तोड़ दिया है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली और पुलिस ने ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट परिसर से खदेड़ दिया। भिलाई स्टील प्लांट पर बगैर इजाजत खनन का आरोप है। जब तक ग्राम सभा नहीं होगा, हमारे जनप्रतिनिधि लोग इधर से उधर भी कर रहे हैं कि उनको देखते हुए हमारे जनता का कोई इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस पहाड़ी को हम देवता भी मानते हैं, इसीलिए हम लोग उसको नहीं देना चाहते। ज्ञापन में जो भी बिंदु है उस पर अध्ययन करके निम्नानुसार में कार्रवाई की जाएगी और जिनको भी संबोधित है ज्ञापन उस तक पहुँचाया जाएगा। ज्ञापन इस भीड़ के साथ में बहुत सारे और लोग ऐसे जुड़ गए थे जो जिनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, नशे की हालत में भी थे, उन लोगों ने पुलिस ने तो पहले बैरिकेडिंग लगाई थी, उसमें हम लोगों ने पूरे शांतिपूर्ण ढंग से उनको रोकने की पूरी कोशिश की और बहुत देर तक हम लोगों ने प्रयास किया,
तो बैरिकेड भी तोड़ के ये आगे की ओर आ गए, कलेक्ट्रेट के गेट पर आके अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में आपस में जो उनके बीच में जो घिरने उरने से इन लोगों को ऐसे कोई लाठीचार्ज की बात कह रहे थे, नहीं कोई पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया, ये आपस में क्योंकि बैरिकेड जब वो लोग पहले तोड़े उसी दौरान उनको कुछ लोगों को चोट लगी होगी और कलेक्टर गेट के पास भी आके जब वो पूरा धक्का मार के पूरा अंदर घुस रहे थे उस दौरान भी उनके बीच में आपस में भगदड़ की स्थिति बनी, उस दौरान तोड़ चोट आई थी। पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसके साथ कोई लाठीचार्ज नहीं किया। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।